नमस्ते, वेलकम टू भूपेंद्र किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट का दही, जिसे मूंगफली भी कहते हैं, और इस दही को वैगन कर्ड भी कहते हैं। हम इसका दूध भी बनाना बताएंगे आपको, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर में हमने पीनट ले लिया है, जिसको हमने रात भर सोक करके रखा था, और इसको अच्छे से फिर धो के हमने उसको ग्राइंड करने के लिए पीनट अपना ग्राइंडर जार में ऐड कर लिया है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। पानी ऐड करने के बाद अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसको करने के बाद हमें कई बार इसको चेक करना पड़ेगा, तो एक बार आप इसको ग्राइंड करके चेक कर ले। ये देखिए, अभी ये हमारा अच्छे से दूध निकलने के लिए रेडी नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको फिर अच्छे से ग्राइंड करेंगे, ताकि जो हमारा मिक्सर है थोड़ा सा पतला रहे। देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा है वीडियो में, ये हमारा मिक्सर ऐसा बन चुका। अब इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद जो हमारा लिक्विड होगा वही पीनट का मिल्क होता है, जो कि हम इसी तरह से अभी इसको हमें और से 3 से 4 बार अभी हमें और हमें इसको ग्राइंड करना पड़ेगा, ताकि अच्छे से पूरा पीनट का जो दूध है वो अच्छे से निकल जाए। आप चम्मच की मदद से इसको अच्छे से निकाल दें, ताकि ये जो दूध है पूरा तरह निकाल के आप जो मिक्सचर है पीनट का, इसको एकदम ड्राई करके फिर से हम इसको ग्राइंडर जार में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसमें हम फिर से पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। सेम हमें इसी तरह से 3 से 4 बार ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे। जब तक ये हम प्रोसेस कर रहे हैं, तब तक मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल बता दूं। पीनट का जो दही है ये रिच ऑफ प्रोटीन सोर्स है, तो आप बहुत ज्यादा भी नहीं पी सकते हैं। नॉर्मल पर्सन जो जिनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो वीक में 1 से 2 बार इसको ले सकते हैं। और अगर कोई पर्सन एक्टिव है जो जिम और फिजिकल एक्टिविटी को यूज करते हैं, वो इसको 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो ये हमारा दूध सारा जो हो गया था, अब इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे, दूध पूरा उबल जाए। उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, तो एक मिट्टी के बर्तन में हमने दही जो पहले से जमा हुआ था, 1 चम्मच दही ले लिया है, जिससे हमारा ये पीनट का दही बन जाए, जिसको हम जोड़न भी बोलते हैं हिंदी में। अब हमने जो दूध हमारा था उबाला हुआ, जो ठंडा हो गया था, वो हमने इस बर्तन में ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको हम किसी भी बर्तन से ढक के अब इसको हम रात भर रखेंगे फर्मेंटेशन होने के लिए, ताकि ये फर्मेंट होके अच्छे से दही बन जाए। ये देखिए, सुबह हमने जब चेक किया है, तो हमारा जो दही है वो बहुत अच्छे से जम चुका है। इसको आप एक बार चम्मच से देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, बहुत अच्छी है, टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। हमारा पीनट का जो दही था वो रेडी हो चुका है, सर्व कर सकते हैं आप इसको।